उसके साथ, उसकी माँ के साथ, मेरे साथ जिंदगी ने कोई साधारण व्यवहार नहीं किया है। और हाँ, मैंने उसके लिए अलग कानून बनाया है। आपको शील कुमार छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तब आप अपनी महानता का स्वाद चख लेंगे। मम्मी को खुशी नहीं हुई कि मोक्ष वापस इतने अरसे बाद घर लौट के आया है। कम से कम इनके चेहरों से तो ऐसा लग रहा। हे माँ तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखो कौन आया है। मोक्ष, हाथ जोड़ो और मां से आशीर्वाद लो। मेरा बच्चा, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये चाहता है कि इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ूं और मां से कहूं जय माता दी। मां, आपका बेटा आपसे जय माता दी कह रहा है, आशीर्वाद दो इसे। लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मौन धारण किया है क्या? अरे आपका बेटा आया, आपको खुशी नहीं हो रही? इतना तैयार हो क्या आए हो? थाली वाली लाओ, आरती उतारो अपने बेटे की। मुझे गुस्सा आ रहा है, आपका जी कर रहा होगा कि शील कुमार का हम अभी वध कर दें। लेकिन ये काम अभी बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी और Hmm.
है। वो मंदिर। अरे वहाँ कुछ नहीं रखा, जाने दे। ना बेटा, इस कच्ची उम्र में ये सब बातों में ना पड़। ये देवी देवता कुछ नहीं होते, सब ढोंग है। तू जा अपने घर जा। पर मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। पूरी चीजों की यही तो खूबी होती है, शुरुआत में ये मन को बहुत लुभाती है पर बाद में बहुत दुख देती है। गुड़ होता है ना, गुड़ मीठा मीठा होता है पर ज्यादा खा लो तो दांतें खराब हो जाती है। ये पूजा पाठ भी वैसे ही होता है, दिमाग को खराब कर देता है। और तू, तेरे तो भी खेलने कूदने की उम्र है, तू ये सब परपुंछनों में कहाँ पड़ गई? मैं क्या करूँ, बुड्ढे बाबूजी सुबह स्कूल पढ़ाने चले जाते हैं और घर पर कोई नहीं होता। अब तो काकी माँ भी चली गई, मैं घर पर अकेली होती हूँ। मेरा मन नहीं लगता अकेले घर में, इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। की बच्ची है शायद, इस छोटी सी उम्र में ये किन ढकोसलों में पड़ती जा रही है। नमस्ते, मैं ज्ञानदेव अध्यापक हूँ यहाँ। आप अभी जिस बच्ची से बात कर रही थी ना, वो मेरी बच्ची है। तो आप भी उन पाखंडों में विश्वास रखते हैं और अपनी बच्ची को भी उसमें ढकेल रहे हैं? ना 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 ना, मैं स्वयं चाहता हूँ कि वो इन ढकोसलों में ना पड़े, इस भ्रम में ना गिरे, लेकिन मेरी बच्ची साक्षी है कि सुनती नहीं। साक्षी नाम है उसका? जी हाँ। अच्छा नाम है, पर वो भी क्या करे, आप तो स्कूल चले जाते हैं और वो बिचारी घर में अकेली रह जाती है। छोटी उम्र है और किसी का साथ नहीं कि उसका जी लगा रहे। आप इसी गांव से हैं? जी मेरा कोई ठिकाना नहीं, भटक रही हूँ एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ देवी देवताओं के भक्तों का कोई आडंबर ना हो। माता रानी की भक्ति में मैं सब कुछ लुटा चुकी हूँ, कोशिश करती हूँ
लोगों को समझाने की कि ये भक्ति की लत उनसे किसी तरह छूट जाए, पर ये दुनिया और उसकी अज्ञानता, बहुत जी रोता है मेरा ये सब देखकर। मैं क्या करूं माता रानी, मेरा मन करता है यहाँ आकर आपसे बातें करना। जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी काकी माँ से बात कर रही हूँ। आप मुझे बिल्कुल मेरी काकी माँ जैसी लगती हैं। क्यों आप मुझे मेरी काकी माँ जैसी लगती हैं? क्यों मुझे आपके पास आना, आपके पास बैठना अच्छा लगता है? क्योंकि मैं ही तेरी काकी माँ हूँ। तुझमें मेरी वैष्णवी का अंश है। तेरे बाबूजी भले ही रेखा खींचकर मुझे उस घर से बंधित कर दें, पर वो मुझे तुझसे जुड़ने से नहीं रोक पाएंगे। तू आया कर यहाँ अपनी काकी माँ के पास। मैं सदा तेरे पास हूँ। तेरी काकी तुझसे दूर नहीं है। वैष्णवी तुझे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई है। मैं तेरे ऊपर ममता की छांव को कम नहीं होने दूंगी। कभी तेरी नी बनकर, कभी तेरी काकी बनकर, तो कभी तेरी माँ बन जाया करूंगी। बूढ़े बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपनी गुड़िया रानी का इंतजार कर रहा था। आओ बैठ। एक बात बता बेटा, तू अपने बूढ़े बाबूजी से बहुत प्यार करती है ना? हाँ बूढ़े बाबूजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके क्यों पूछ रहे हैं? बच्चे, इस मजबूरी के बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है। आज तू अपने बुड्ढे बाबूजी की एक बात मानेगी। क्या बुड्ढे बाबूजी? आज तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। कोशिश करूंगी। आ मेरे साथ। साक्षी बेटा, ये रेखा देख रही हो ना, यहां से वहां तक। आज से कुछ दिनों के लिए तेरी दुनिया जो है वो इस रेखा के इस पार होगी बेटा। तो रेखा लांद के नहीं जाएगी।
है तेरा हंसना, तेरा खेलना, तेरा कूदना, सब रेखा के इस पार। पर बुड्ढे बाबूजी, मैं पाठशाला कैसे जाऊंगी? मेरी पढ़ाई। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तेरी शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी। क्यों उस नन्ही सी जान को असुरक्षित जीवन दे रहा है? गलत है ये विद्यासागर। उसके बचपन पर क्यों अंकुश लगा रहा है? मत छीन उसका बचपन। साक्षी के जीवन को दायरे में मत घेर। ये अन्याय है उसके साथ, ये अन्याय है। पर बुड्ढे बाबूजी, आप तो पाठशाला चले जाएंगे, मैं अकेले घर पर क्या करूंगी? तू इसकी भी चिंता मत कर, मैंने प्रबंध किया है। पर क्या बुड्ढे बाबूजी? तू चल, मैं दिखाता हूँ, आ जा। आज से इस घर में हमारे साथ कोई और भी रहने आया है। कौन बुड्ढे बाबूजी? चल दिखाता हूँ बेटा। ये देवी देवता कुछ नहीं होते, सब ढोंग है। तेरे तो भी खेलने कूदने की उम्र है, तू ये सब पर पंचनों में कहाँ पड़ गई? कितनी प्यारी बच्ची है। अरे देख तो, तेरे हाथ पैर में कितनी धूल लगी है। चल मैं तुझे साफ कर देती हूँ, चल ना। मैं खुद कर लूंगी। अरे तू खुद क्यों कर लेगी? मैं हूं ना, आज से तेरा सारा ख्याल मैं रखूंगी। अब चल, चल ना। जा 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 बेटा, जा चल। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। भक्तजनों, ये हैं यूपी के कानपुर शहर से पधारे श्री तिवारी जी, जो कि माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। अरे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं इस समय शील जी नाम अवश्य लेना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं की आर्थिक और व्यवहारिक सहायता से ये सम्मेलन इतने सार्थक रूप से चल रहा है। धन्यवाद शील जी। मेरा धन्यवाद न करें, धन्यवाद अगर करना है तो माता रानी का करें। आज हम जो कुछ भी हैं माता रानी की वजह से हैं, इनकी बदौलत है। बोल सांचे दरबार की जय।
माता रानी की श्रेष्ठ भक्त श्वेता देवी जी। बड़ी ही अद्भुत काया है श्वेता देवी जी। माता रानी इनमें समाकर भक्तों से साक्षात्कार करती है, उनके सवालों का जवाब देती है और उनकी पीड़ा हरती है। मुझे भी माता रानी से सवाल पूछना है कि किस आंखों से देखती है वो और किन लोगों की पीड़ा हरती है। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी जनों पर भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली है अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही ललकारी थी। निर्मल नाता भूत कपूत सुने है पर ना माता सुने को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली सबको हर्षाने वाली नैया भवर से उबारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी माता रानी के भक्तों, आज हमारे इस नए घर में माँ स्वयं पधारी हैं श्वेता देवी के द्वारा। बोलो जय माता दी। क्या माता दी, माँ सबका कल्याण करेगी। देखिए देखिए इस घोर कलयुग में माता रानी का चमत्कार देखिए। माता रानी श्वेता देवी में समा चुकी है। पूछिए, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मुझे माता रानी से एक सवाल पूछना है। एक सवाल माता रानी, आपके सारे भक्तों के सामने मुझे किसी की असलियत जाननी है। मेरा नाम जानती हैं? मैं सृष्टि का सार हूं पुत्री। हर मनुष्य के बारे में सब कुछ जानती हूं मैं। पूछो, किसके बारे में क्या सच्चाई जानना चाहती हो तुम?
मुझे इस आदमी का सच जानना है, शील कुमार की असलियत के बारे में जानना है मुझे। इनका सच क्या है आज आज आपके सारे भक्तों के सामने बता दीजिए। इसकी असलियत पूरी तरह से दिख रही है मुझे, सब कुछ साफ साफ दिख रही है मुझे। ये मनुष्य, ये मनुष्य साक्षात भगवान का रूप है। और आज आज भगवान हमारे बीच, और ये बात आप सभी जानते हैं कि शील जी अमर है और अमर आत्मा ही भगवान की नियति है। नहीं, साक्षात भगवान प्रभु शिव जी महाराज को इस तरह हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है हमारे सामने। आप अपना अपमान कर रहे हैं, अब आपको किसी के सामने नहीं, लोग आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। साक्षात भगवान प्रभु शिव जी महाराज की जय। जय बोलो शिव महाराज की। जय शिव महाराज की। जय शिव महाराज की। जय वितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। चीजों में नहीं पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आता तेरे को? अब तू देख, देख मैं तेरी इस तस्वीर का क्या हाल करती हूं। घर से भी निकाल देंगे, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ।
के लिए तेरी दुनिया जो है वो इस रेखा के इस पार होगी बेटा, तो रेखा लांद के नहीं जाएगी। अपने बाबूजी से मेरी शिकायत करने जा रही थी ना तू, तो जाना जाना। तुम बहुत गंदी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ना कर, कौन सा मैं इस घर में तेरे से बात करने आई हूँ। अपनी बाबूजी की परी है ना तू, तो चल आज मैं इस परी को धरती की सैर कराती हूँ। चल चल। श्वेता देवी जी की जय हो। ये जो आपने आज माता के आने का ढोंग किया है, देख के मन प्रसन्न हो गया भाई। जी कह उठता है कि आप कितनी अच्छी नाटककार हैं, कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हैं। आहा, लेकिन फायदा तो आप ही का हुआ है ना शील कुमार जी। मेरा फायदा? मुझे बात समझ में नहीं आई श्वेता देवी जी कि मेरे फायदे में आपका क्या फायदा, आपकी क्या रुचि हो सकती है। बिजनेस। बात फिर से समझ में नहीं आई, कैसा बिजनेस? देखिए शील जी, आप तो कब के अमर बन चुके थे, लेकिन आज आज दुनिया के सामने मैंने आपको भगवान बना दिया। मुझे भगवान बनाने में आपका क्या फायदा? प्रभु शील जी महाराज का प्रचार प्रसार करूंगी, आपको मंजूर है? सुन रही है माँ? माँ, सारी दुनिया को पता है, सारे विश्व को, कि इस विश्व में सिर्फ शील कुमार और माता रानी पार्टनर है। और ये देखिए 30%। आहा, लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में बार बार गोते खा रहा है, वो ये कि मुझे भगवान बनाने के बजाय आप डायरेक्ट माता क्यों नहीं बन गई? गठबंधन के कागजात तैयार कर देता हूं। एक मिनट शील जी, आप ये जो अमर हुए हैं इसमें कोई अड़चन तो नहीं है ना? अब मेरा मतलब है कि कल को कहीं। श्वेता देवी जी, तो माँ के आशीर्वाद का विश्वास तो कीजिए। ये जो मेरा अमर होना है ये दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। 100% खालिस शील कुमार जो अमर हुआ है ये बिल्कुल सच्चा और सुच्चा अमर हुआ है, इस पर आप शक नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ, जय माता, जय मेरी माता। मास्टर जी से शिकायत करेगी मेरी, पर मास्टर जी तो शाम को आएंगे, तब
तब तू क्या करेगी? तब तक तू काम करेगी। चल उठ, जाके तरकारी काट और खाना बना, फिर जी भर के कर लेना मेरी शिकायत अपने बुढ़े बाबूजी से। चल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये आंखें किसको दिखा रही है? ये घूरने से खाना नहीं बन जाएगा। कमबख्त मास्टर तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है, घर में एक ढेला भी नहीं। ये क्या है? जी, वैष्णवी वंश शील कुमार जी, ये सब नंबर तो मुंबई के लगते हैं, मुझे क्या ये सब कबाड़ी से। अरे बना बना, पूरी ईमानदारी से बना। अरे मैं भी तो देखूं कि तेरे हाथों में कितना स्वाद है।
काम किया है, थक गई होगी ना, और तुझे भूख भी लगी होगी। चल तू खाना खा ले, पहली बार तूने इतना काम किया है, खाना खा लेगी तो तेरे शरीर को शक्ति भी मिलेगी, और अब तो तुझे सारे घर का काम करना है। चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्यों, खाना बनाते बनाते तेरा पेट भर गया क्या, या तू मुझसे गुस्सा है? चलो अब खाना खा लो और जिद मत करो। मुझे नहीं खाना है। ये ना, तू अपने नखरे मुझे मत दिखाना, समझी ना, मैं तेरी माँ हूं और ना वो तेरा बुढ़ा बाबूजी। अगर मैंने कहा खाना खा तो फिर खाना खा। चल पी इसको। इसीलिए तो कहती हूँ कि अपने बाबूजी की सब बात माना कर, जो तेरे बुढ़े बाबूजी कहे ना वही परम सत्य है, तू उनकी किसी बातों को कभी मना मत करना। ये वो क्या कर रही है, ये सब बातें तू जाके अपने बाबूजी को बताना, फिर देखना वो कितने खुश हो जाते हैं, और फिर वो तुझे कभी डांटेंगे भी नहीं। तू अब जाके सो जा, पर मेरी बातों का ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे तेरे बाबूजी को गुस्सा आ जाए, समझ रही है ना तू? चल तेरे बाल बन गए, आ इधर लेट मेरे पास आ, आ जा। अरे जो धरती पर है वही सच्चाई है, आसमान के उस पर कुछ भी नहीं है, इंसान बस देखता ही रह जाता है और उसे मिलता कुछ भी नहीं है। सो जा मेरी रानी, सो जा मेरी लाडो, सो जा मेरी गुड़िया, सो जा मेरी बिटिया, मेरी बिटिया। जो काम मैं कितने सालों में नहीं कर पाया आपने पल में कर दिखाया, वाकई वाकई हैरत की बात है, हैरत की बात है। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है, एक बच्चे का दिल एक औरत ही तो अधिक समझती है। मैंने आपका मतलब क्या है? नहीं नहीं आप सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। अजीब सा हो रहा है, नशे जैसा हो रहा है।
साक्षी की चिंता जो हट गई है आपके मन से, तो मन तो हल्का होगा ना। और सुकून नशे से कम थोड़े ही होता है मास्टर जी। आपके चेहरे पे तो आज पहली बार चैन देख रही हूँ, वरना आप तो हमेशा ही तनाव में रहते हैं मास्टर जी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो न जाने अब तक कितनी मौत मर चुका होता। आपको क्या पता हाफती हुई सांसों पर जिया हूं मैं, हाफती हुई सांसों पर। मास्टर जी, आप उस वक्त कह रहे थे कि आपकी जगह कोई और होता तो 100 मौतें मर चुका होता। आपने ऐसा क्यों कहा मास्टर जी? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ छोड़ दीजिए, क्या कर रही हैं आप? सेवा कर रही हूँ। छोड़ दीजिए। मना मत कीजिए मास्टर जी, आपने एक बेसहारा औरत को आसरा दिया है। मैं आपके इस एहसान का बदला तो कभी भी चुका नहीं पाऊंगी, पर हाँ, अपने गुरु के चरण दबाकर कुछ पुण्य जरूर कमा लूंगी। आपके जीवन में इतना तनाव कैसे, क्या हुआ? आज मैं साक्षी को जान पाई हूँ, आपको भी जानने का मौका दीजिए ना मास्टर जी। कब से भाग रहा, भागता चला रहा। पहले शील कुमार से साक्षी को बचाता रहा, अब माता रानी से बचाना पड़ रहा है। शील कुमार? शील कुमार इंसान के रूप में जल्लाद है वो, कब से मेरा पीछा कर रहा है, कहां कहां नहीं आया मेरे पीछे साक्षी को पाने के लिए। पर मैंने अपनी साक्षी को उसके हाथ लगने नहीं दिया। शील कुमार ना? हाँ। ओए शील कुमार, शील कुमार।
आदमी का सच जानना है। शील कुमार की असलियत के बारे में जानना है मुझे। अपने मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मत मारी गई थी मेरी। पता नहीं अब क्या होगा। आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया। क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी, हम लोगों के जो हालात चल रहे हैं उसे थोड़े और बिगड़ जाएंगे। हम लोगों की उम्र कैद एक आध साल और बढ़ा दी जाएगी। मम्मी जी बिल्कुल मत डरिए आप, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यमुना, श्वेता देवी से क्या पूछ रही हैं? उससे पूछो क्या सवाल पूछने हैं, मुझसे पूछो और कितना जानना है मेरे बारे में। प्रियंवदा, आप नहीं आती, कोई बात नहीं, आप मेरे पास मत आइए, मैं ही आपके पास आ जाता। बताइए भाई साहब, माफ कर दीजिए। जो भी कहना है मुझसे कहो शील कुमार, प्रियंवदा से नहीं। जो भी सजा देनी है मुझे दो। वाह, भाई मजा आ गया। देवरानी का और जेठानी का प्यार देखकर आज मेरा दिल भर आया। मैं कैसे अब इसको शब्दों में बयां करूं? बस यही तुम लोगों में तकलीफ है, दूसरे के फटे में टांग डालने की प्रॉब्लम, खाम खा दूसरे के लिए मरने की प्रॉब्लम। अब भगवानी की वजह से का क्या हश होगा ये तो मां ही जानती। बस इसी के चलते तुम सबका पतन होगा। जय माता दी। ये मत भूलना शील कुमार के पतन तुम्हारा भी होगा। एक न एक दिन मौत तुम्हें भी मिलेगी। जितना भी अत्याचार करना है कर लो शील कुमार, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर होगा जो तुम्हारा गाल बनकर आएगा। फिर देखना शील कुमार, तुम मौत मांगोगे ना तो मौत तुम्हें भीख में भी नहीं मिलेगी। सुन रहे हो तुम शील कुमार? माता रानी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा भी अंत आएगा। बड़े पापा प्लीज, बड़े पापा, बड़ी मां को छोड़ दीजिए। बड़े पापा उन्हें माफ कर दीजिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। बड़े पापा, बाहर दरवाजे पर कोई आया है मधुरा, जाकर देखो कौन आया है, जाकर देखो। जय माता जी, जी, जय माता जी, बड़े, जय माता। इनको इनके कमरे तक छोड़ के आइए, इज्जत पूर्वक, आदर पूर्वक। जय माता दी। छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कह दूँ, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे हाथ।
आप भीतर जाइए, आप भीतर जाइए, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। जय माता दी। वक्त की बहुत पाबंद है आप, ये तो मानना पड़ेगा। अमर तो आप है शील महाराज जी, हमारे पास तो गिनती के बस कुछ ही साल बचे हैं जीने के लिए, इसलिए वक्त की कदर करनी पड़ती है। कितना सुंदर बोलती हैं आप श्वेता देवी जी। आइए आइए आइए। मामी जी मधुरा, मामी जी मधुरा, सब मेरी गलती है। जिसकी सजा भाभी भुगत रही है वो औरत शील कुमार को और भी खतरनाक बना देगी। अब पता नहीं क्या करेगा शील कुमार। अब शील कुमार को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उससे। हे भगवान, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं। आप भी बैठिए। शील कुमार जी, वकील साहब ने सारे कागज तैयार कर दिए हैं हमारे हिस्सेदारी के, आपको बस सही करना है। वैसे हिस्सेदारी का सारा हिसाब किताब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार नजर दौड़ा दीजिए। अब वकील साहब, शील जी महाराज, एक बार आप कागज पढ़ लीजिएगा और अगर उसके बाद भी आपको संकोच ना हो तो आप इस पर सही कर दीजिए। श्वेता देवी जी, आप कलम लाइए, मैं इस पे दस्तखत कर देता हूँ। अब तो आप कागज पढ़ेंगे नहीं? हम सूफियों को दौलत से क्या सरोकार, हम इन चीजों से बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप संतुष्ट हैं? आपकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करेगी। चल दूध पी ले बेटा, दूध पी ले, दूध पी ले बेटा मेरी रानी। अच्छा तुम सो जाना, पहले थोड़ा सा दूध पी लो फिर तुम सो जाना। नींद पे है, शाम को पी लीजिएगा। दूध पी ले मेरी रानी, मेरी गुड़िया। मेरी बेटी दूध पी ले फिर तू सो जाना, ठीक है? सो जा मेरी रानी, सो जा मेरी गुड़िया। मास्टर जी, मेरी साक्षी का जन्मदिन कब होता है? इस बार तो मैं उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाऊंगी। दशहरे के दिन पैदा हुई थी वो, 4 अक्टूबर को, लेकिन मैंने आज तक वो दिन मनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसकी मां की भी बरसी है। मास्टर जी,
हम अपनी पुरानी दुखों से आज को दुखी नहीं कर सकते हैं। और जन्मदिन की खुशियां तो साक्षी का हक है और वो हक तो उसे मिलना ही चाहिए। वैसे साक्षी का जन्म कहाँ हुआ था मास्टर जी? शील कुमार की महाराज, शील कुमार की महाराज, शील कुमार की महाराज, शील कुमार की। और तेरी मृत्यु का कारण तेरी आने वाली पीढ़ी का वाली सदस्य बनेगा, सदस्य बनेगा। तुम्हारा काल आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, जो तुम्हारा नाश करेगा। आज से 9 साल पहले आप किसी बच्ची को मारना चाहते थे। मुझे पता है कि वो बच्ची कहाँ है। तेरी मृत्यु तो जा चुकी है और तेरी मृत्यु का मारना चाहते थे तेरी आने वाली पीढ़ी का सदस्य। आज से 9 साल पहले बच्ची को मारना चाहते थे। आपके भगवान बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके नाम पर सारा साबिता आपको फिर से इंसान बना सकता है। आप 9 साल से मरा समझ रहे थे पर वो जिंदा है। घर की सफाई हो गई? नहीं बड़े पापा। तो कौन करेगा? माफ कर दीजिए बड़े पापा, कर लेते हैं अभी। क्या बताया उसको? किसे क्या बताया? अरे जिसने फोन उठाया था, आवाज पहचानने की भी जरूरत नहीं समझी, बस फोन उठाया तो शुरू हो गई। आपके गुस्से को देख के लग रहा है कि ये बच्ची आपके लिए कितनी जरूरी है। मैं कैसे मान लूं जो तुम कह रही हो वो सच है? पूरा का पूरा सच है शील कुमार जी। आज से 9 साल पहले दशहरे के दिन मंदिर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसे जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी। फिर आप उसके पीछे पीछे कहाँ कहाँ नहीं आए। हदरवा याद है ना? उस बच्ची को जान से मारने की कीमत बताओ। मारने की कीमत? ये मारने वारने का काम मुझे नहीं आता शील कुमार जी। नहीं आता तो उस बच्ची को मार कर सीख लो और बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतनी दौलत मिलेगी कि तुम उसे गिन ही नहीं पाओगी। पर किसी को जान से मारना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
तो आसान काम के इतने पैसे नहीं मिलते। अरे आप यहाँ खुद क्यों नहीं आ जाते? मैं आपको वो बच्ची दे दूंगी और आप मुझे उसकी कीमत, फिर आप जाने और आपका काम। आप भगवान बन चुके हैं, इसलिए कभी कभार कभी कभार आप लोगों के सामने आए। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर आपको वो बच्ची चाहिए तो आज आप राजपुरा के मंदिर में आ जाइएगा, समझ रहे ना? समझ रहा हूँ, पूरी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनो। भगवान ऐसे मौके बार बार जिंदगी में नहीं देता। इतनी दौलत मिलेगी एक ही झटके में कि तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अगर बच्ची हाथ में दे के जाओगी तो सिर्फ छोटी सी टिप मिलेगी, बख्शीश मिलेगी, और अगर मेरा कहा हुआ काम करोगी तो लॉटरी मिलेगी। मेरे आदमी वो पैसे नकद लेकर राजपुरा में उस मंदिर में आ जाएंगे। आधे पैसे काम होने से पहले, आधे पैसे काम होने के बाद। भगवान तुम्हें ऐसा मौका जिंदगी में फिर दोबारा नहीं देगा। तो क्या फैसला किया? ठीक है, आप अपने आदमियों को पैसे लेके राजपुरा के हनुमान मंदिर में भेज दीजिएगा। वैसे वो बच्ची इस वक्त है कहाँ? वो कहाँ है आप उससे मतलब मत रखिए शील कुमार जी, आपको बच्ची मरी हुई चाहिए ना? मिल जाएगी, आप मुझे बस उसकी कीमत भेज दीजिए। भिजवा दूंगा। के नोट और चोरी चमारी से छुटकारा, एक ही झटके में जिंदगी भर की कमाई हो जाएगी। साक्षी को मारकर ऐसा गायब होंगी कि किसी के हाथे भी नहीं चढ़ूंगी। पर अगर किसी के हाथे पड़ गई तो, पुलिस ने पकड़ लिया तो जो भी है वो भी हाथ से चला जाएगा। नहीं नहीं, जाने दे, किसी को मारना मतलब सीधा उम्र कैद, पूरी जिंदगी जेल में, हंसी भी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं जाकर मना कर देती हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन इतने पैसे मिल रहे हैं कि मैं गिन भी नहीं पाऊंगी। खतरा तो मेरी जान पर भी आ सकता है ना, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बच्ची को भी तो वो मरवा ही डालेगा। मैं न सही तो किसी और से, तो क्यों ना मैं ही उसे मार दूं? किस पचड़े में मैं फंस गई हूं?
किसी को अपने हाथ से मारो। लोग दुर्घटना में भी तो मर सकते हैं ना, जैसे जैसे घर में आग लग जाए और कोई मर जाए। बहुत देर आराम कर लिया, अब चल चल के खाना बना। चल 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 छोड़ो चल छोड़ो चल 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 तू चल चल यहां से चल चल। चल आंखें फाड़ कर क्या देख रही है, चल खाना बना, चल खाना बना।
अरे बहन जी, खड़े खड़े क्या ताक रही हो? आपको मिट्टी का तेल चाहिए था ना? और भी ग्राहक हैं, उनको भी निपटाना है। ये लीजिए अपना मिट्टी का तेल और जाइए यहाँ से। अरे बहन जी, पैसे कौन देगा? शील कुमार का आदमी, मुझे तो किसी के भी हाथ में पैसे का बक्सा दिखाई नहीं दे रहा। सबका मालिक कौन? बोलो सबका मालिक कौन? बोलो सबका मालिक कौन? बोलो सबका मालिक कौन? का मालिक कौन? बोलो सबका मालिक कौन? प्रभु शील जी महाराज। पुत्री, तुझे हर काम में सफलता प्राप्त हो। प्रभुशील तेरा बेड़ा पार लगाएंगे, पर तू अपनी तरफ से काम में कोई कसर मत छोड़ना। तुम काम पूरा करके वापस आना, प्रभुशील तुझे और आशीर्वाद देंगे और प्रसाद देंगे। बोलो सबका मालिक कौन? सबका मालिक कौन? बोलो सबका मालिक कौन? पैसे लेके अभी भी निकली है। आप कहें तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं? नहीं, किसी के पीछे पीछे नहीं जाते, आगे आगे रहते। मुझे पूरा यकीन है वो औरत अपने कार्य को यकीनन अंजाम देगी और अपना पैसा लेने के लिए वहां आएगी। जैसा प्रभु का आदेश। मेरा तजुर्बा बोलता है, बाकी जय माता दी। रियाज इसलिए नहीं कर रहा कि क्या इसलिए शिव जी, परसों पूरी दुनिया के सामने आपको आग पर चलना है।